मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है, यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया अजीवाला देने से गरीब को, तो हम मुंह में पानी भी नहीं लेंगे। सर बेल अभी नहीं टूटा है, सर बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था, ये बेलेबुल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाईकोर्ट में हमने फाइल किया, हाईकोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहाँ पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबुल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब। फिर आपको, आपको उठाया दूसरे मामले में, क्या लगता है सर? सर उसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, इसमें ना तो किसी इंस्पेक्टर, ना डीएसपी, ना तो किसी एसपी और ना ही डीएम का, इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। सर इस गिरफ्तारी की तार, इस गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है क्या? गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है।